सुप्रभात बच्चों, क्लास टू सब्जेक्ट हिंदी, 9th जून 2020, सुबीर व्याकरण बुक से, पेज नंबर 12। देखो, दो सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए और उसी शब्द से खाली जगह को भरिए। क बोलते समय हमारे मुख से कुछ डैश निकलती है। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। शब्द ध्वनियाँ, वाक्य वर्णमाला क्या होगा? ध्वनियाँ। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। ख डैश के टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्द वर्णों, वाक्य वर्णमाला क्या होगा? वर्णों, वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखो, ग शर डैश होते हैं 11, 33, 20, 13 क्या होगा? 11। शर 11 होते हैं। घ व्यंजन डैश होते हैं 6, 11, 33, 22 क्या होगा? 33 व्यंजन 33 होते हैं। नीचे लिखे वर्णों से शुरू होने वाले दो दो शब्द लिखिए। नीचे लिखे वर्णों से शुरू होने वाले दो दो शब्द लिखिए। ओ से अखबर अनाज, ओ से अखबर अनाज। उ से ऊंट ऊन। ई से इमली इमृति। क से कमल कलम। चौ से चम्मच चरण। पौ से पतंग पेड़। और एक बार देखो, ओ से अखबर अनाज, उ से ऊंट ऊन, ई से इमली इमृति, क से कमल कलम, चौ से चम्मच चरण, पौ से पतंग पेड़। प्रैक्टिस वर्क होमवर्क सेम। थैंक यू।